आई थी। तो वायरस के पास क्या होता है, डीएनए या तो डीएनए क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या आरएनए हो सकता है, हमने चर्चा की थी। और एक नॉर्मल सेल के पास क्या होता है, एक नॉर्मल सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्जी बॉडी, ऐसी कोई संरचना क्या होती है वायरस के पास नहीं पाया जाता है। ये सर्वाइव करता है केवल लिविंग होस्ट में, करता है ओनली लिविंग होस्ट में सर्वाइव करता है। और इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सेल जो होती है, एक लिविंग सेल जो होती है वायरस के अलावा, जो एक लिविंग सेल होती है वो इंडिपेंडेंट कहीं भी रहेगी। मैंने आपको बताया था ना, ये सेल डिविजन करेगी, एक से दो सेल बनाएगी, दो से फिर क्या करेगी, चार सेल बनाएगी। लेकिन वायरस क्या होता है, आउटसाइड द सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं करता रहता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं करता रहता है। तो इस तरह से देखेंगे आप, इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्या करता है, आउटसाइड सेल के बाहर जो होता है डीएनए ऐसे डेड पार्टिकल रहता है, जैसे इसको होस्ट मिलता है वैसे ये क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है। जैसे आज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस देखिए हमारे बॉडी से बाहर है तो जहां भी पड़ा हुआ है डेड पड़ा हुआ, जैसे ही हमारे सलाइवा के द्वारा कहीं से भी हमारे माउथ के पार्ट से या फिर नोज के पार्ट से हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, वैसे देखते हैं एक वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करता है और हमारे लंग्स में हजारों की संख्या, 100-200 वायरस क्या होता है, लंग्स को इन्फेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब वो लंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर जैसे इंसर्ट करता है वैसे हमारी होस्ट मशीनरी को, पूरी बॉडी के हमारे कंट्रोल कर लेता है और हमारे मशीनरी, हमारे डीएनए आरएनए को कंट्रोल करके और अपनी प्रोटीन बनाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है, वायरस के पास होती है। ये सब भी मैंने पिछले लेक्चर पे आपसे चर्चा कर लिया है, तो जरूर पिछले लेक्चर को देखिए तभी ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर को देखने के बाद ही ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे आगे हम लोग चर्चा करते हैं, मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, यहाँ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। फिर हमने बात किया था इसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, आपके ना नो एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, ये रिस्पॉन्स को, कोई एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करता वायरस, लिविंग सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। चेंज ओवर द टाइम, मैंने बताया था टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है, बदलता रहता है। स्ट्रेन देखिए, कोरोना वायरस का स्ट्रेन, पिछली बार कोरोना जब आया था तो उसका स्ट्रेन वीक था, इस बार क्या है, बहुत स्ट्रांग कोरोना स्ट्रेन है। इसी वजह से क्या हो रही है, ज्यादा लोग की मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बढ़ गई है हमारे इंडिया में, ठीक है। ये सब बातें हम पिछले लेक्चर पे चर्चा कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक सिंपल वायरस के पास क्या होती है, नो न्यूक्लियस, के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, नो ऑर्गेनेल्स होता है, ना ही इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है। ये कैसा होता है, नॉन सेलर होता है, नॉन सेलर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉन सेलर वायरस होता है। ये भी हमने चर्चा कर लिया पिछले लेक्चर पे। आज हम लोग बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं वायरस के डिस्कवरी में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है, पीपीटी अगर कट रहा है कोई बात नहीं है कमांडो जी, पीपीटी अगर कट रहा है तो कोई बात नहीं, अभी दिख रहा वर्ड आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा कि नहीं वर्ड आप सब लोग को, वर्ड दिख रहा होगा फुली, मैं भी देख रहा हूँ स्लाइड पे, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रेरणा जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो स्लाइड, अच्छा स्लाइड थोड़ी सी कट रही है, कोई बात नहीं है, स्लाइड इधर कट रही है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जहां भी स्लाइड थोड़ी सी कट रही है तो मैं उसको देखता हूँ, उसको सेट करता हूँ। चलो फिलहाल देखो हमारे पास डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं, डिस्कवरी की हम बात करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ स्लाइड को जरा एक बार, चलो हो गया कोई बात नहीं, स्लाइड दिखेगी आपको, आप सबको स्लाइड दिखेगी। चलिए जब हम डिस्कवरी की वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि वायरस की डिस्कवरी में कुछ वैज्ञानिकों का बहुत रोल रहा, मेजर रोल रहा। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों का नाम अगर देखेंगे, अगर आप डिस्कवरी की बात करोगे ना तो आप देखोगे, देखो हमने अभी क्या क्या बात कर ली है, कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, अगर आप देखोगे तो कहां कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। देखो वायरस की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते क्या है कि आज हम लोग बात करेंगे इस वायरस के अंदर, वायरस के अंदर अभी तक हम लोगों ने बात की थी करेक्टर्स, वायरस
स्ट्रक्चर्स, वास स्ट्रक्चर्स एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स की बात की थी। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, अब आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी के बारे में डिस्कवरी जानेंगे, डिस्कवरी के बाद हम जानेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, शेप ऑफ वायरस, इसके बाद इसकी ओरिजिन जानेंगे, ओरिजिन क्या होती है, ओरिजिन कैसे वायरस की पृथ्वी कैसे होती है, कौन कौन सी थियरी दी गई थी यहाँ पे हम लोग डिस्कवरी में। जैसे मैंने कहा रिग्रेसिव थियरी क्या होती है, रिग्रेसिव थियरी के बारे में जानेंगे, रिग्रेसिव थियरी ओरिजिन की क्या करती है। दूसरी थियरी हमारे पास ये आती है, दूसरी थियरी हमारे पास ये आती है रिग्रेसिव थियरी के बाद हमारे पास आता है एक आपका, ऐसे कई थ्योरी, दूसरी थ्योरी एक आपकी होती है, तीसरा आपका बताया था स्मॉल कैसे ये लिविंग होस्ट के अंदर सरवाइव करता है। हम इसके बाद थ्योरी के बारे में, ओरिजिन कैसी होती है इसके बारे में करके चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसका देखेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में, देखेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्लासिफिकेशंस कैसे दिया गया है, क्लासिफिकेशन वायरस की क्लासिफिकेशन को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी आप लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ थियरी होती है, को इवोल्यूशन की थियरी क्या होता है, को इवोल्यूशन थियरी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, को इवोल्यूशन थियरी क्या होती है, ठीक ना, अलग अलग थियरी के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन वायरस का जानेंगे। फिर हम इसके बाद जानेंगे कि कुछ इंपोर्टेंट क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ वायरसेस, लिस्ट ऑफ वायरसेस के बारे में जानेंगे। फिर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट जानेंगे जहां से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। जैसे एग्जाम में आते आपको आता है टीएमबी वायरस क्या होता है, टीएमबी वायरस क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल आपसे खूब पूछती थी, बैक्टीरियोफेज के बारे में हम लोग जानेंगे। बैक्टीरियोफेज हुआ, स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस ऑफ वायरस देखेंगे। स्पेशल केस ऑफ वायरस के अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन से आते हैं, टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, वायराइड क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, टीजीटी पीएचटी नेट नेट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में सब क्वेश्चन यहाँ से, वायराइड क्या होता है, स्पेशल केस हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, प्रायांस क्या होता है, प्रायांस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल केस देखेंगे, कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। स्पेशल केस शब्द कहता है, इनकी लाइफ साइकिल हम देखेंगे, इनका पूरा का पूरा पैटर्न हम देखेंगे, इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे, डिजीज देखेंगे, कंट्रोल मेजरमेंट देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो इस तरह से देखेंगे। आज अभी हमने पिछले लेक्चर पे क्या बात किया था, वायरस स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी बात की थी, आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वायरस, फिर इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे वायरस, लिस्ट ऑफ वायरस और वायरस डिजीज कौन कौन सी होती है, वायरस डिजीज क्या होती है, वायरस डिजीज क्या होता है। इतने क्वेश्चन सब हेड में बटे हुए जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ये सब आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, अगर आप देखो डिस्कवरी में, सबसे पहले डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं ना, सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जिनका नाम था सबसे पहला जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स, देखिए यहाँ पे पहली पॉइंट्स में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है चार्ल्स चैम्बरलैंस, चैम्बरलैंस सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चैम्बरलैंस, सबसे पहले वायरस के डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमारे पास एक वैज्ञानिक थे चैम्बरलैंस। चैम्बरलैंस ने क्या किया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1884 में इन्होंने क्या किया था, एक फिल्टर, एक इन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैम्बरलैन एक फिल्टर को डेवलप किया था, फिल्टर, फिल्टर पेपर्स, और ये फिल्टर पेपर क्या था, इसकी साइज क्या थी, साइज इसकी थी, साइज ऑफ द फिल्टर की जो साइज थी ना, ये बैक्टीरिया की साइज से भी छोटी थी। देखिए लिखा गया ना चैम्बरलैंस, जिसे कहते हैं चैम्बरलैंस फिल्टर, इन्होंने फिल्टर डेवलप किया था, इसका नाम क्या था, चैम्बरलैंस फिल्टर था, और इसको नाम दिया गया बाद में चैम्बरलैंस
पास्चर फिल्टर होता है, कहते हैं द स्मॉलर पोर देन द बैक्टीरिया, मतलब कि यहाँ पे जो ये चैम्बर ये जो उन्होंने बनाया हुआ था कि आप देखो इसकी साइज बहुत छोटी छोटी बनाई थी, साइज बहुत छोटी, ऐसा फिल्टर पेपर बनाया जिसकी साइज क्या हो, इतनी छोटी हो कि बैक्टीरिया से की साइज से भी छोटी बनाया, मतलब अगर उस फिल्टर पेपर से उस फिल्टर चेम्बरलिन फिल्टर से अगर आपको बैक्टीरिया को क्रॉस कराओगे ना तो बैक्टीरिया गुजर नहीं सकता है, इन बैक्टीरिया को आप आइसोलेट कर सकते हो, उसकी साइज क्या कर लिया ताकि बैक्टीरिया उससे निकल ना सके, अगर उसको फिल्ट्रेट करना हो तो बैक्टीरिया उससे निकलना है। तो पहली बार वायरस के डिस्कवरी में जो खोज में रोल प्ले किए थे पहला वैज्ञानिक था जो चेम्बरलैंड का नाम आता, जो 1884 में उन्होंने क्या किया था, एक फिल्टर पेपर बनाया था, एक फिल्टर बनाया जो फिल्टर की साइज क्या थी बैक्टीरिया की साइज से भी उन्होंने छोटा बनाया, क्योंकि बैक्टीरिया की साइज से छोटा था तो उसको सोल्यूशन उसके ऊपर से गिराया तो बैक्टीरिया क्या हो गया, अलग हो गया, रिमूव कर लिया, क्योंकि बैक्टीरिया उससे क्या करता था पास नहीं कर सकता, दस देखिए लिखा गया ना दस ही कुड पास देम, देखिए लिखा गया है कि ही कुड द पास, ही कुड पास देम, पास ए सोल्यूशन कंटेनिंग बैक्टीरिया थ्रू द फिल्टर, कंप्लीटली रिमूव देम फ्रॉम द सोल्यूशन, क्या किया इसके ऊपर से, क्या किया इसके ऊपर से सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन के ऊपर से गिराया तो देखा क्या हुआ, बैक्टीरिया सबके सब क्या हो गए, आइसोलेट हो गए, आइसोलेट कर लिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया क्यों आइसोलेट हो गए, क्योंकि इसकी साइज क्या थी बड़ी थी और फिल्टर पेपर की साइज क्या थी छोटी थी, उससे वो क्या हो सकते छन करके बाहर हो गए। तो पहला प्रयास किया था चेम्बरलैंड ने बैक्टीरिया के प्रयास में, इसके बाद हम देखते हैं, इसके जस्ट बाद हम देखते हैं ये केस क्या था 1884 में, एक दूसरा वैज्ञानिक इसके बाद आया, दूसरे वैज्ञानिक क्या है 1890 में, पहला कौन था 1884 में था चेम्बरलैंड, फिर इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक का प्रयास, सेकंड प्रयास जो प्रयास किया गया रशियन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेकंड प्रयास किया वायरस पे कुछ काम करने का, और सेकंड बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था, देखिए लिखा डिमेट्री इवानोवस्की वॉज द सेकेंड रशियन बायोलॉजिस्ट, कौन था डिमेट्री इवानोवस्की, इवानोवस्की का नाम बहुत पॉपुलर है और आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इवानोवस्की कौन थे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इवानोवस्की सेकेंड प्रयास किए 1884 में, फिल्टर पेपर ढूंढा था चेम्बरलैंड ने, इसके बाद अगला प्रयास किया 1890 में इवानोवस्की ने, इसी फिल्टर पेपर को यूज किया, इसी फिल्टर को यूज किया और इसके ऊपर से क्या किया, एक टुबैको के अंदर उसकी लीव जो थी ना वो इन्फेक्टेड थी, वायरस से इन्फेक्टेड थी, दे डोंट नो अबाउट दिस, वो किससे इन्फेक्टेड थी उन्हें कुछ पता नहीं था, उन्होंने क्या किया उसको क्रश किया, लीव को क्या किया क्रश कर लिया, क्रश करके क्या किया उसको इसके ऊपर से डाला और देखा क्या इन्होंने इसके ऊपर से क्या किया टोबैको, देखिए क्या लिखा टोबैको मोज़ेक वायरस के केस में इसका यूज किया था, इन्होंने क्या किया लीव को क्रश किया, इसके ऊपर से डाला एक्सट्रैक्ट को डाला, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्रश लीव्स ऑफ द इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स रिमेन इन्फेक्टेड ऑफ द फिल्ट्रेशन, मतलब क्या किया इन्होंने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इन्होंने क्या किया, ये फिल्टर पेपर है इसके ऊपर से क्या किया, ये देखो पोर है, क्या किया इन्होंने लीव को लिया, इन्फेक्टेड क्या किया इन्फेक्टेड लीव ऑफ टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फेक्टेड लीव ऑफ टोबैको, इसको क्या किया क्रश किया और इसके बाद क्या किया इससे क्या किया पास किया और जो सॉल्यूशंस तैयार हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ देखिए एक्सट्रैक्ट यहां से क्या किया एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया, इसमें भी देखा एक्सट्रैक्ट इन्फेक्टियस था, एक्सट्रैक्ट क्या था इन्फेक्टियस था, एक्चुअली हुआ क्या कि इवानोवस्की साहब ने देखा कि एक टोबैको इन्फेक्टेड है, किसी डिजीज से इन्फेक्टेड था, उसके लीफ को क्रश किया और क्रश करने के बाद क्या किया, यही चेम्बरलैंड जो फिल्टर था ना चेम्बरलैंड फिल्टर जिसको 1890 में चेम्बर साहब ने एक फिल्टर बनाया था, उस फिल्टर को साइज इतनी छोटी कर दी थी कि बैक्टीरिया भी उससे पास नहीं कर सकता, तो इवानो साहब ने सोचा कि साथ देखो इस टोबैको की लीफ इन्फेक्टेड है, इस लीफ को क्या करते हैं क्रश किया और इसके सोल्यूशन बनाया, उसको पास किससे किया
उसको पास किया चैम्बरलैन फिल्टर से। किस फिल्टर से क्या किया? इससे देखिए, ये फिल्टर जो आपका है कौन फिल्टर है? चैम्बरलैन फिल्टर, चैम्बरलैन फिल्टर से। इस चैम्बरलैन फिल्टर से क्या किया? इसको पास किया। जब पास किया तो देखा क्या कि जो नीचे स्टैट आया उसके अंदर वो भी स्टैट भी इन्फेक्टियस था। इसका मतलब इनको एक बात समझ में आई कि शायद जो ऑर्गेनिज्म टीएमबी टोबैको मोज़ेक कहते हैं ना, कि टोबैको की लीफ को प्रभावित कर रहा है, उसकी साइज क्या है? स्मॉलर है। इसका मतलब बैक्टीरिया से भी छोटा है और इस फिल्टर को क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत स्मॉलर से जो साइज है उसकी क्या है? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी क्या है? छोटा ऑर्गेनिज्म है। ये बात उनको समझ में आई। सबको समझ में आ रहा है? जस्ट मेरे को रिस्पांस करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कौन सा फिल्टर यूज किया था? चैम्बरलैन का फिल्टर यूज किया था, जिसकी साइज क्या थी? इतनी छोटी उसके पोर की साइज है कि बैक्टीरिया उससे क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन उसको चेक करना था क्या ये बैक्टीरिया टोबैको की लीफ को प्रभावित कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो बैक्टीरिया की साइज से भी छोटा है, और सोल्यूशन को जब उसके ऊपर से चैम्बरलैन फिल्टर के ऊपर से गुजार रहे थे तो देखा क्या कि वो ऑलरेडी क्रॉस कर जा रहा है। जो स्ट्रैट नीचे हो रहा है उस स्ट्रैट भी इन्फेक्टियस है। तब उन्होंने कहा कि द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द टीएमबी टोबैको, द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द टोबैको लीफ दैट इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। वो कैसे छोटा है? बैक्टीरिया से भी छोटा था। ये बात उन्होंने बताई थी। ये बात आपको समझ में आई? सबको समझ में आ रहा है? गुड, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात। ऋषि जी आपको भी समझ में आ रहा है, निधि जी आपको समझ में आ रहा है, फौजदार जी समझ में आ रहा है, प्रेरणा जी सबको क्लियर है। ओके गुड, आपको सबको समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे उसके बाद देखो, अभी तक मैंने किसकी बात की थी? देखो अभी पिछले स्लाइड पे आपको मैंने बताया क्या मैंने बात की थी पिछले स्लाइड पे, 1884 1890। फिर इसके बाद हमारा आता है 1935। इसके आसपास कुछ घटनाएं हुई थी। इसका मतलब पहला कौन हो गया? 1884 कौन डिस्कवर किया था? चैम्बरलैंस। आपने चैम्बरलैंस के बारे में सुना, चैम्बरलैंस। फिर आपने सुना किसके बारे में? अगला क्या? 1890 में कौन था? इवानोवस्की के बारे में सुना, इवानोवस्की ने। फिर इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, 1935 की घटना है। 1935 की घटना कौन थी? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट वेंडर डब्ल्यू एम स्टैनले जो थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई बार आया। जब आप पीजीटी पीएचटी का एग्जाम देंगे ना, जरूर आता है। आप नीट का पेपर उठा के देखिए, यही पूछता है, हु हैज द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड क्रिस्टलाइन फॉर्म में टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने पहली बार आइसोलेट किया था? डब्ल्यू एम स्टैनले ने। देखिए क्या लिखा है, ये अगले वैज्ञानिक थे जो 1935 में डिस्कवरी किया था, अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, वह डब्ल्यू एम स्टैनले साहब थे। एग्जामिन द टोबैको मोज़ेक वायरस फाउंड इन द मोस्टली मेड अप फ्रॉम द प्रोटीन ए शॉर्ट टाइम लेटर दिस वायरस वाज सेपरेटेड इन द प्रोटीन एंड इन्होंने बताया कि जो इन्होंने डब्ल्यू एम स्टैनले साहब ने बताया इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया और बताया कि इसके पास प्रोटीन पार्ट पाया जाता है, उसका न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है। इन्होंने बताया क्या? डब्ल्यू एम स्टैनले साहब ने बताया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने किस फॉर्म में स्टार्ट किया? क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये एग्जाम में आता है पहली बार, किसने क्रिस्टलाइन फॉर्म आइसोलेट किया और बताया क्या? बताया स्ट्रक्चर्स, बताया इन्होंने स्ट्रक्चर्स के बारे में। क्या बताया? स्ट्रक्चर बताया कि टीएमबी जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, ये दो पार्ट से बना हुआ है। एक बना है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या बना है? प्रोटीन कैप्सिड से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड को क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है? आरएनए होती है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने आइसोलेट किया? डब्ल्यू एम स्टैनले ने। कई बार एग्जाम में आया, इसको रट लो आप लोग, आपके एग्जाम में
आता रहता है। और इन्होंने क्या बताया, टीएमवी के स्ट्रक्चर में ये बताया कि टीएमवी स्ट्रक्चर जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इसकी जो होती है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका आरएनए होता है, साथ साथ क्या होता है इसकी प्रोटीन कोड होती है जिसे कहते हैं कैप्सिड का बना होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया, आप सभी लोग रिमेम्बर करिए WM स्टैनले। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में जानकारी किसने दिया, WM स्टैनले ने। ये आपके इवानोवस्की का नाम 1890 फर्स्ट टोबैको सिंड्रोम जो पाया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस से का टेस्ट किसने किया, सबसे पहले चेम्बरलैंड फिल्टर पे वर्क किसने किया, इवानोवस्की रशियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया ये बताया कि जो भी इंफेक्टियस ऑर्गेनिज्म है, जो भी इंफेक्टियस ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया से छोटा है जो टोबैको के लीफ को प्रभावित करता है, तो ये बात मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक और आए, 1931 में एक वैज्ञानिक आए, इनका नाम था अर्नेस्ट विलियम गॉड पॉस्चर, एंड इन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंजा वायरस को क्या किया, फर्टिलाइज चिकन एग में टेस्ट किया और उसके पास इन्फ्लुएंजा वायरस को दिया था। इस तरह से कुछ और वैज्ञानिक आया, जैसे मैं कुछ वैज्ञानिकों का नाम बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो देखो आप लोग, ये देखो ये आपका क्या है, टीएमबी की हिस्ट्री है, टीएमबी वायरस की हिस्ट्री है, टीएमबी वायरस का बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये आपके टीजीटी पीजीटी में सब में आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बर कर लो, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टीएमबी फर्स्ट वायरस तुझे डिस्कवर कौन किया था, इसके बारे में देखिए नीचे लिखा है, WM स्टैनले साहब इसके लिए नोबेल प्राइज पाए थे, WM स्टैनले साहब इसके लिए नोबेल प्राइज पाए थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने बताया था क्या कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्होंने बताया आरएनए होता है, ये सारी बातें इन्होंने बताया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग्स, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको, जस्ट मेरे को इन्फॉर्म करिए, सबको समझ में आ रहा है, तो देखो आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के और नाम आपको मुझे बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो हमने बात कर लिया, और आपको पता है टर्म वायरस किसने पहली बार दिया था, मैंने कल चर्चा की थी ना, कुछ वैज्ञानिकों का नाम जरूर जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म वायरस किसने दिया था, सभी लोग मेरे को रिस्पांस करो, कल मैंने चर्चा की थी, पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था, टर्म वायरस किसने दिया था, जस्ट इन्फॉर्म एवरीबॉडी, टर्म वायरस सबसे पहले किसने दिया था, कौन बताएगा हमको, कौन दिया था, आप लोग देखेंगे, सबसे पहले इसको दिया था जो वैज्ञानिक थे, पास्चर साहब ने दिया था, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्चर साहब ने टर्म वायरस दिया था, किसमें दिया था, केनाइन रेविस से पहली बार क्या दिया था, टर्म पास्चर ने दिया था, ठीक ना, ये बात भी लुई पास्चर साहब ने दिया था, इसको आप लोग रिमेम्बर करोगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आया, आपको रिमेम्बर कर लेना है। 1899 में एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डच बेजरिंग साहब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WM ये कहते हैं, एम बेजरिंग ने क्या किया था, ऑब्जर्व एजेंट मल्टीप्लाई ओनली इन द डिवाइडिंग सेल, एंड इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस है ना, जो इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, केवल लिविंग सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है। बेजरिंग साहब ने क्या बताया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है आपके एग्जाम में, ये आता रहता है। बेजरिंग साहब ने क्या बताया, थोड़ा सा देखो आप लोग, बेजरिंग साहब ने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेजरिंग साहब ने बताया कि इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म है कैन मल्टीप्लाई ओनली लिविंग सेल। इन्होंने कहा कि जो इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म है, जो टोबैको मोज़ेक पे अटैक कर रहा है, जो और भी डिजीज कॉज कर रहे हैं ना, जो जो कहते हैं कि आपने देखा
टोबैको पे अटैक किया था, और भी जो डिजीज अटैक कर रहा है, ये इंफेक्टियस ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब किसी लिविंग होस्ट को पाता है तभी ये मल्टीप्लाई करता है। जैसा कि मैंने वायरस के करेक्टर में बताया था कि वायरस क्या है, बॉडी से बाहर क्या है, डेड है। कोरोना वायरस हमारे बॉडी से बाहर क्या है, डेड है। जैसे कोई लिविंग होस्ट पाता है वैसे क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसके बॉडी पे अटैक करता है, और बॉडी की पूरी होस्ट मशीनरी उसके डीएनए आरएनए को पूरा कंट्रोल कर लेता है, अपनी प्रोटीन बनाता है, और इस तरह से क्या करता है, अपने आप की संख्या को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और मल्टीप्लाई करता रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करता रहता है। तो बेजरिंग साहब ने इसको तो बताया कि ये क्या लिविंग सेल के अंदर मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसके नेचर को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाया पूरी तरह से। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, इन्होंने इसका नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन द नेम, इन्होंने इसका नाम दिया, गिवन नेम दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में दिया है, कंटेंजियम वाइबम फ्लूडम। कंटेंजियम वाइबम फ्लूडम ये पूछता कई बार है, कंटेंजियम वाइबम फ्लूडम जो क्या होता है, इस साल्वल लिविंग जर्म किस टर्म, किस वैज्ञानिक ने दिया था, बेजरिंग साहब ने दिया था 1890। ये इन्होंने क्या दिया था, 1899 में दिया था, 1899 में दिया था, इस बात को आप ध्यान दोगे। 1899 फिर 20वीं शताब्दी में, 20वीं सेंचुरी में कुछ वैज्ञानिक और आए, जैसे इन्होंने कुछ वैज्ञानिक और आए जैसे फ्रेडरिक ट्वार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक ट्वार्ट्स, ये 20वीं सेंचुरी में कौन आया था, डिस्कवर द वायरस दैट द इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, मतलब कि वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। ये बात तो आपको रिमेम्बर रखना होगा, ये बहुत रिमेम्बर रखना है, ठीक ना, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे देखो बैक्टीरियोफेज, अगले वैज्ञानिक थे ट्वार्ट साहब। देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, थोड़ा जानो बैक्टीरियोफेज क्या होता है। वायरस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज करता है। रिप्लिकेट कहाँ करता है, बैक्टीरिया के अंदर करता है, और डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फेज इन द डिओस, कहते हैं सिंगल या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। सबसे पहले देखो इसके बारे में किसने बताया था, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे पहले फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट, इनका नाम रखिए, याद रखिएगा, ट्वार्ट साहब जो थे, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया 1915 में। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले लेकिन क्या किया ना, डिस्कवर किसने किया, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया क्या, इसको डिस्कवरी कौन किया, ट्वार्ट ने डिस्कवर किया बैक्टीरियोफेज को, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे पहले बैक्टीरियाफेज को कौन डिस्कवर किया, ट्वार्ट साहब ने डिस्कवर किया था, एंड उसके साथ एक वैज्ञानिक और थे, ट्वार्ट एंड डी हरल्स ने सबसे पहले, फेलिक्स डी हरल साहब ने 1915-1917 में इसको नाम दिया था बैक्टीरियोफेज। तो ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले बैक्टीरियाफेज को किसने डिस्कवर किया था, तो ट्वार्ट एंड डी हरल साहब ने डिस्कवर किया था। और टर्म किसने दिया था, टर्म, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखोगे ना जब भी कोई आप बायोलॉजिकल साइंस का एग्जाम देते हैं यही सब क्वेश्चन तो आता है, बैक्टीरियोफेज क्या है, ए वायरस, एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ट्वार्ट एंड डी हरल साहब ने किया, ठीक ना, और सबसे पहले टर्म किसने दिया, टर्म बैक्टीरियोफेज किसने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, टर्म बैक्टीरियोफेज किसने दिया, तो ये भी याद कर लेना, बैक्टीरियोफेज किसने दिया, ये कौन दिया था, ये भी आपको याद रखना है, डी हरल साहब ने दिया था, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक ना, डी हरल साहब ने
टर्म दिया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट डिस्कवरी पॉइंट से, चाहे आप सीएसआईआर दीजिए, चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे नीट का एग्जाम दीजिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का अगर आप एकेडमिक में है, तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। बैक्टीरियोफेज क्या है, जो वायरस को इन्फेक्ट करता है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। आगे हम बैक्टीरियोफेज के बारे में डिटेल से जानेंगे, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे काम करता है, लाइटिक लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइसोजेनिक क्या होती है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखो फिर अगला आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपने देखा कुछ वैज्ञानिकों का नाम और जान लेना है। अगला आपके सामने आता है वायराट। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कुछ बता रहा हूं ना, ये आप रिमेम्बर कर लेना। ये सब एग्जाम में ज्यादा आते हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूं जिसके एग्जाम में जो आपके ज्यादा आते रहते हैं। एक एग्जाम्पल और आपको याद रखना है, वायराट। वायराट क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर पे चर्चा की थी। वायराट क्या होता है ओनली कंटेन क्या रखता है, ओनली जेनेटिक मैटेरियल्स बट नो प्रोटीन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था वायराइड क्या होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल लगता है बट नो प्रोटीन्स, क्योंकि एक नॉर्मल वायरस के पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक वायरस के पास क्या होता है न्यूक्लिक एसिड होती है और इसके पास क्या होता है, प्रोटीन होती है। लेकिन वायराइड के पास क्या होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे वायराइड को सबसे पहले किसने, सबको समझ में आ रहा है। एक बार मेरे को रिस्पांस करिए एवरीबॉडी, आप सबको समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, डिस्कवरी में नाम याद कर लेना है, ठीक ना, नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए इसकी चार्जिंग लगाइए, डिस्चार्ज हो रहा है लैपटॉप। ओके चलिए, देखिए आप लोग, सबको समझ में आ रहा है, ओके गुड, चलो सबको समझ में आ रहा, अच्छी बात है। बस आपको देखो, मैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन तो ऑलरेडी बताते जाता हूँ, टीजी टीम कौन आया, पीजी टीम आया, नीट में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जिसके एग्जाम को दोगे ना, अगर आप सीएसआईआर के से देखोगे ना, तो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बहुत पूछता रहता है, सब चर्चा करूंगा एक एक करके मैं आपको, ठीक ना। अभी आप देखो, इसका मतलब आपने वायराइड को देख लिया, अब आपके सामने क्या होता है, वायराइड के बारे में जानना, इसकी डिस्कवरी किया क्या है, किसने किया था। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था टीओ डिनर साहब ने, टीओ 1971 में एसोसिएट विद द पोटैटो स्पिंडल वायरस। इसको सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछता रहता है। एक वैसे वायरस का नाम बताइए जिसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल है और वो इन्फेक्टियस है, ऐसे वायरस का नाम क्या होता है, वायराइड कहते हैं, जिसमें प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाती, केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसके पास ओनली जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आता रहता है। और किसने डिस्कवर किया, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा है, टीओ डेनर साहब ने सबसे पहला। और किस डिजीज को काज करता है, मैंने आपको बताया ना, इसकी डिस्कवरी किया था कौन थे, डीनर साहब ने किया था। डीनर तो याद रहेगा ना, डीनर तो करते ही रहते हो रात को, है उसी से याद कर लेना कि रात को डीनर करते हो तो किसका डीनर करते हो, वायराइड का डीनर करते हो, इससे भी रिमेम्बर हो जाएगा। तो वायरस का डिनर नहीं आता, तो कोरोना का डिनर से बचे रहते हैं, तो डिनर साहब ने इसका डिस्कवर किया हुआ था। और कौन सी डिजीज है, ये ध्यान रखिए, डिजीज क्या किया था इन्होंने, किया था 1971 में इसको डिस्कवर किया था। और कौन सी डिजीज थी, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पोटैटो स्पिंडल वायरस, ये कई बार एग्जाम में आया है,
पोटैटो स्पिंडल डिजीज कहाँ काज कौन कार का काज करता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है वायराइड के द्वारा, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ये भी याद रखना। अब ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको ध्यान रखना आप लोग। चलो अब देखो एक स्लाइड आपके सामने और आ गई है, इस स्लाइड में देखो डिफरेंस भी बता दे रहा हूं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अंतर बताओ, ये क्या आपका वायरस है, इधर की तरफ क्या है, वायरस है और दूसरी तरफ क्या है, इधर क्या है, इधर वायराइड समझो, दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। मैंने कहा वायरस क्या होता है, स्मॉल इन्फेक्टियस एजेंट होता है जो रिप्लिकेट करता है इनसाइड द सेल होता है, ठीक है, उसके लिविंग होस्ट करता है। और ये क्या होता है, कहते हैं वायराइड क्या होता है, वायरस से भी छोटा होता है, देखिए लिखा गया ना, ध्यान रखो, स्मॉलर देन द वायरस, वायरस से भी छोटा होता है। आवाज नहीं इधर से करो अपने, चलो। और ये क्या होता है, स्मॉलर होता है, कहते हैं कि वायरस से भी क्या होता है, छोटा ये होता है। कहते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है, ये बात ध्यान रखिए, जो टेबल बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए या आरएनए होता है। और इसके पास क्या होता है, ओनली क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, वारने जेनेटिक मटेरियल, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अगली पॉइंट क्या रहता है कि वायरस क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उससे छोटा क्या होता है, क्योंकि केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, इसके पास क्या होता है, ओनली वायरस के पास क्या होता है, दोनों पाया जाता है, आपको मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है, कैप्सिड पाई जाती है। और इसके पास क्या पाया जाता है, वनली जेनेटिक मटेरियल पाया जाता रहता है, नो प्रोटीन कैप्सिड पाई जाती है। ये सब ध्यान रखना इस टेबल को आप लोग देख लेना, इसमें एग्जांपल होता है, ये किसको इन्फेक्ट करता है, देखो ये प्रोटीन कोड को नहीं रखता है, इन्फेक्ट वनली द प्लांट सेल, इंपॉर्टेंट है, ओनली किसको इन्फेक्ट करता है, प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता रहता है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट ओनली द प्लांट सेल, याद रखना। और जब ये रिप्लिकेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता रहता है, डू नॉट प्रोड्यूस द प्रोटीन, क्योंकि इसको प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, वायरस जब रिप्लिकेट करता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है और जेनेटिक मटेरियल बनाता है, लेकिन वायराइड क्या करता है, वो रिप्लिकेट करता है, केवल जेनेटिक मटेरियल बनाता है, प्रोटीन नहीं बनाता है, ध्यान रखना, प्रोटीन नहीं बनाता, क्योंकि उसको प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, उसको तो सिर्फ एक चीज चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, वो भी उसको आरएनए से चाहिए, उसको प्रोटीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है किसी को इन्फेक्ट करने के लिए, ये सब याद रहेगा, ठीक ना। और ये क्या करता रहता है, ये बात, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ये टेबल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, सबको समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को रिस्पांस करो आप सभी लोग, समझ में आ रहा है। अगला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस स्लाइड को देखो, प्रायांश ये भी पूछता रहता है, इन्फेक्टियस प्रोटीन्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इन्फेक्टियस प्रोटीन्स जो होती है, ओनली इन्फेक्टियस प्रोटीन, देखो क्या होता है, यस सर सबको समझ में आ रहा है, चलो निकिता जी बोल रही समझ में आ रहा है, बाकी लोग भी रिस्पांस करो, सबको समझ में आ रहा है, भी बड़ी रिस्पांस में, सभी लोग मेरे को रिस्पांस करो, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो ऐसे ही आता रहता है, क्या क्या आपको रिमेम्बर करना डिस्कवरी में, उनकी मैं आपको चर्चा करके कर रहा हूँ। इन्फेक्टियस प्रोटीन, पहली बार अभी तक वायरस के पास क्या था, एक वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन देखा गया इस नेचर के अंदर कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके पास केवल प्रोटीन पार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन ही इन्फेक्टियस हो जाती है, देखो लिखा है ना, इन्फेक्टियस प्रोटीन्स विच कॉजेज द डिजीज,
क्या हुआ, अभी तक वायरस के पास क्या होता था, वायरस के पास क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वायरस के पास दो चीज होता है, एक आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड होता है, प्रोटीन कैप्सिड होता है। देखो प्रायांश क्या था, प्रायांश क्या होता है, प्रायांश क्या होता है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है प्रायांश, प्रायांश क्या होता है, ओनली प्रोटीन्स, ओनली प्रोटीन्स प्रेजेंट। देखो यहां केवल क्या होता है, केवल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ये क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पेपर उठा के प्रीवियस ईयर का देख लो, आपको इवन सीएसआईआर में एक बार बी सेक्शन में क्वेश्चन आ गया है कि इन्फेक्टियस प्रोटीन जो किसी डिजीज को काज करती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रायान कहते हैं, प्रायान। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, इस प्रायान की डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवरी किसने किया, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, डिस्कवरी किसने किया, बहुत पहली बार सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार आया है। 1982 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जिनका नाम था प्रिजनर साहब, प्रिजनर साहब, ये भी कई बार पूछा आपके एग्जाम में है कि किसने पहली बार डिस्कवर किया, तो आपको याद रखना है प्रिजनर साहब थे, प्रिजनर साहब ने इसको सबसे पहले, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रिजनर, प्रिजनर था नाम था इनका, क्या नाम था, प्रिजनर, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया इसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट था। चलिए वाई कमांडो साहब कह रहे हैं सही बात, उन्होंने कहा मैड काउ डिजीज, सही बात आपने बिल्कुल कहा, मैड काउ डिजीज होती है, मैं आपको बताऊंगा आगे चर्चा करके इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा, अभी चूंकि मैं डिस्कवरी के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरा पर्पस क्या है कि ये है क्या और इसकी डिस्कवरी किसने किया है, आगे हम देखेंगे एक एक की लाइफ साइकिल को, मैं बताऊंगा आपको कि प्रायांस कैसे काम करता है, क्या करता है, आपका वायराइड कैसे, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा, कैसे ये वर्क करता है, इनके बारे में हम लोग अलग से लेक्चर लेंगे। अभी हम डिस्कवरी सेक्शन में देख रहे हैं सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, प्रिजनर साहब ने डिस्कवर किया था, यह देख लिखा गया ना, डिस्कवर प्रिजनर 1982, किस विधि में, स्क्रैपी देख लिखा गया, स्क्रैपी ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन द सीप, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इन्होंने एक डिजीज को बताया, डिजीज को बताया, ये डिजीज से डिजीज में डिस्कवर किया था, ये भी पूछ लेता है स्क्रैपी डिजीज क्या होती है, स्क्रैपी डिजीज, ये देखो ये पूछ लेता है स्क्रैपी डिजीज होता है, और किसमें हुई होती है, सिप के अंदर किया था, सिप के अंदर, एग्जाम्पल क्या है, सिप के अंदर देखा था, और ये कैसा होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, सबसे पहले इसके अंदर डिस्कवर किया था, और इसी के लिए इनको नोबल प्राइज भी मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट, 90 देखो लिखा 1997 में इनको नोबल प्राइज मिला था, कितना बड़ा इन्होंने किया कि अभी तक पूरी दुनिया में पता था कि अगर कोई भी इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म होगा, अगर लिविंग चीज होगी तो उसके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जरूर होगा, लेकिन पहली बार पता चला कि प्रोटीन भी इन्फेक्टियस हो सकती है, प्रोटीन भी इन्फेक्टियस होती है, और जो प्रोटीन इन्फेक्टियस होती है उसको क्या दिया, प्रायांश, प्रायांश कहते हैं, इसको किसने खोजा, प्रिजनर साहब ने, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए लिखा गया है, ठीक ना, इतनी बातें आपको याद रखना है, मैड काउ डिजीज कहते हैं ना, मैड काउ डिजीज कॉज करता है, जैसा इन्होंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैड काउ डिजीज कॉज करता रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैड काउ डिजीज होता है, मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज भी पूछता रहता है, तो ये आपको रिमेम्बर करना होगा, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, देखो वायरस और प्रायांश का अंतर दिया हुआ है, एक बार देख लेना वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, देखो वायरस के पास क्या क्या होता है, वायरस क्या होता है, कुछ बात तो ध्यान ही रख लेना, वायरस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड होती है, प्रोटीन कैप्सिड होती है, ठीक ना, कैप्सिड होती है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, और इसके पास क्या होता है, प्रायांश में क्या होता है, प्रायांश, प्रायांश के अंदर क्या होता है, प्रायांश में क्या होता है, ओनली प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स होता है, ये बात ध्यान रखिए, बढ़ता है, देखिए कौन कौन से, देखिए यहाँ पे लिखा है इन्फेक्टियस, लेकिन थोड़ा सा प्रायांश को पढ़ दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टियस प्रोटीन पार्टिकल सिमिलर टू द वायरस बट लैकिंग द न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, लैक न्यूक्लिक एसिड, इसके पास
न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता रहता है। और थर्ड रीजन किस डिजीज कॉज करता है, स्क्रैपी डिजीज को कॉज करता रहता है। कौन सा डिजीज कॉज करता है, स्क्रैपी डिजीज काम करता रहता है। लेकिन लिखा गया लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, वायरस क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसा होता है, वेरी लेस कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज ओनली प्रोटीन्स पाई जाती है इसके अंदर, ठीक ना। ये बात यही करता है, लिखा गया मेड ऑफ द ओनली प्रोटीन्स, ये मेड ऑफ ओनली प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन और वायरस, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से बना होता है। लेकिन जो प्रायांस होता है केवल प्रोटीन पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। मेनली क्या काज करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस काज करता रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये टेबल आपको रिमेम्बर कर लेना, एग्जाम में कभी भी पूछ लेता रहता है, ठीक ना, इसको भी ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक को याद रखना आपको, साइनोफेस क्या होता है, व्हाट इज द साइनोफेस, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है, पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो नीट के भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इन एग्जामों में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है कि साइनोफेस क्या होता है। पहले तो याद, जैसे बैक्टीरियोफेस था आपने देखा, साइनोफेस, वायरस दैट अटैक ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफेस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, सैफरमैन एंड मॉरिस, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइनोफेस को किसने डिस्कवर किया, ये एग्जाम में आता है कि आपको पूछ लेता है, सैफरमैन और मॉरिस 1963 में जिस वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था साइनोफेस को, उसका नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% आने की संभावना होता है। फर्स्ट साइनोफेस क्या होता है, और साइनोफेस क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी पे, जो वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी पे अटैक करता है, पैरासाइट रहता है, उसे कहते हैं साइनोफेस, कहते रहते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया, सैफरमैन एंड मॉरिस ने किया गया था। फर्स्ट साइनोफेस, पहला साइनोफेस वायरस जो था वो किस पे, तीन ब्लू ग्रीन एल्गी पे पैरासाइट था, उसका नाम याद रख लो, ये भी कई बार पूछा, लिंगडिया, फोरमीडियम और प्लैक्टोनीमा, देखिए ना, थ्री ब्लू ग्रीन एल्गी के, तीन ब्लू ग्रीन एल्गी थी, थ्री ब्लू थी, ये क्वेश्चन पूछता है, थ्री ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी इन पे अटैक किया था, ये पूछता है इसका नाम क्या है, एलपीपी फर्स्ट, यही ध्यान रखिया, यही पूछता है, एलपीपी फर्स्ट क्या है, साइनोफेज है, बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, वायराइड है, आपके सामने ऑप्शन आ जाए, एलपीपी फर्स्ट क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एलपीपी लिंगडिया फोरमीडिया प्लैक्टोनीमा क्या है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने वायर आ जाए, वायराइड, बैक्टीरियोफेज, प्रायंस और साइनोफेज, तो क्या रिजल्ट बताओगे, सभी लोग मेरे को इस बार बताओ, इसको बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है आपके सामने, ये क्या होता है, साइनोफेज है, साइनोफेज है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ रहा है, जस्ट मेरे को रिस्पांस करिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलो, बैक्टीरिया फेज आपने देख लिया, बैक्टीरियो फेज देख लिया, ठीक है, इसके बाद आपने वायराइड देख लिया, फिर आपने प्रायास देख लिया, फिर साइनोफेज देख लिया, इन सबको पूछ लिया। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमारे काम की बात आती है, जो अगला एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका है कोरोना वायरस के बारे में, नोवल कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। चलो ओके, सबको समझ में आ रहा है, गुड, रंजना जी आपको समझ में आ रहा है, निधि जी भी आपको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, सोनी जी सबको समझ में आ रहा है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप लोग रिमेम्बर करो, जो मेन जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेन वायरस को डिस्कवर किया, इन्हीं में से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक ना, इन्हीं को आपको रिमेम्बर कर लेना है, इन्हीं को। अब हम बात करेंगे इस पैनिक सिचुएशन में जिससे हम अभी क्या है गुजर रहे हैं। आज कोरोना वायरस इतना ही ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रेन हो चुका है कि आज एक कहते हैं यंग स्टेज का व्यक्ति भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई डेथ होने की, ओल्ड स्टेज पिछली बार कोरोना वायरस का स्ट्रेन वीक था, तो आज हम जानेंगे। अब अगला हमारे पास है कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में देखो आप लोग, सबसे पहले कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई कहां किया गया, फर्स्ट आइडेंटिफाई कहां गया था, अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो आंसर,
दिसंबर 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई कहां से? वुहान शहर। वुहान कहां पर आता है? चाइना में। तो मैंने कल पिछले लेक्चर पे चर्चा की थी, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और चूंकि अब आता है कोरोना वायरस क्या होता है, इसके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कि आरएनए, तो याद रख लेना इसके पास क्या होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट का एग्जांपल हो गया। अभी जो अगला एग्जाम जो भी कोई आप दोगे, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना के पास डीएनए पाया था जेनेटिक मटेरियल की आरएनए, और पूछेगा इनवेलप होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना कि देखो वायरस के पास क्या होता है, मैंने आपको एक चर्चा की थी कि वायरस के पास तो दो चीज तो पाया ही जाता है, एक आपका प्रोटीन कैप्सिड, मैंने आपको बताया था, और दूसरा बताया था न्यूक्लिक एसिड, और बताया था कुछ कुछ वायरस के अंदर क्या पाया था, स्पेशल वायरस के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोरोना, कोरोना वायरस के पास क्या होता है, तीन पार्ट होता है, क्या क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड, दूसरा इसके पास न्यूक्लिक एसिड, तीसरा इसके पास एक स्ट्रॉल पाया जाता है। तो देखिए एक नॉर्मल वायरस जो होता है, उसके पास क्या होता है, नॉर्मल वायरस, और कोरोना वायरस के पास क्या होता है, देखो यह बात ध्यान रखना, कोरोना वायरस के पास एक तीसरी लेयर भी पाई जाती है जिसे कहते हैं इनवेलप, कभी कभी लिपिड लेयर पाई जाती है। तो वायरस तो क्या होता है, कुछ स्पेशल वायरस जो होते हैं इनवेलप के रूप में रहते हैं, तो कोरोना वायरस क्या होता है, इनवेलप से ढका रहता है, ठीक ना, ये बात आपको भी ध्यान देना होगा। अब आगे देखो कौन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो गया, ऑल्सो कॉल्ड सार्स, देखो सार्स कोविड क्या है, ये कभी पूछ लेगा आपसे, सार्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा SARS, देखो कभी आपसे पूछेगा, जरूर जान लेना आपके एग्जाम का क्वेश्चन है सार्स का फुल फॉर्म, आओ कई बार आ भी, एक दो बार तो आ भी चुका है, सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सीवियर, याद रखना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, इसे कहते हैं सार्स कोविड टू, कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस होता है, और इसको कहते हैं ये कौन सी जनरेशन का होता है ये भी ध्यान रखना, सार्स को सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स को कोरोना वायरस टू, सेवेंथ कोरोना वायरस है, सेवेंथ कोरोना वायरस जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, सातवां कोरोना वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। अब कुछ पॉइंट और ध्यान रख लो, यहाँ पे लिखा है सार्स, कभी कभी आपसे पूछ लेगा सार्स के बाद मर्स क्या होता है, देखो सार्स कोविड मर्स, कोविड मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे कहते हैं मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, यहाँ पे लिखा है सार्स कोविड कैन कॉज द सीवियर डिजीज, ये क्या करता है, कोरोना वायरस डिजीज कॉज कर रहा है। कुछ और भी वायरस का नाम है, कभी आपसे पूछ लेगा एच के यू फर्स्ट, एनएलएस 63, ओसी 43, भी लिखा है 229E, आर द कुछ ऐसे वायरस है जो मिल्ड सिम्टम प्रयोग करते हैं, ये बहुत हाई डेथ नहीं कॉज करते लेकिन इनका भी क्या होता है, सिम्टम थोड़ा कम रहता है, डिजीज कम, और जो सार्स है मर्स है और ये सब क्या है, बहुत डेंजरस है, इनका सिम्टम बहुत फास्टली हमको दिखता है और मोर अटैकिंग होते रहते हैं, इन बातों को भी ध्यान रखना। सार्स देखो अगला पॉइंट याद रखना, सार्स कोविड सार्स कोरोना वायरस टू जो होता है ये क्या होता है, इसी कहते हैं कोविड 19, क्या होता है ये कोविड 19 क्यों कहता है, सबसे पहले क्या हुआ 2019 में चाइना के वुहान शहर में, चूंकि चाइना के वुहान सिटी के अंदर सबसे पहले कोरोना वायरस क्या हुआ, रिपोर्ट किया गया सार्स कोविड, इसलिए इसका नाम रख गया कोविड 19। कभी आपसे पूछे कोविड 19 क्यों कहते हैं, 2019 का होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अब ये भी ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ लेगा मर्स का फुल फॉर्म बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसका बताओ, फुल फॉर्म बताओ, तो याद रख लेना मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले आया, मिडिल ईस्ट में कौन कौन मिडिल ईस्ट कंट्री जो पाई जाती है उनमें सबसे पहले आया, इसका नाम रख दिया गया मर्स। सार्स कहाँ रखा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, यही तो पूछ लेता है सार्स क्या होता है, ठीक ना, ये सब रिमेम्बर रहेगा आपको, रिमेम्बर रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बता रहा हूँ, ठीक ना। आगे देखो, आगे देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में कहते हैं इसके 4 to 5 इसके डिफरेंट करेंटली स्ट्रेन इसके एक्टिव है, इसमें 4 to 5 इसके स्ट्रेन बहुत ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, समझ आ रहा है, 4 to 5 स्ट्रेन इसके क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्टियस चल रहे हैं, ह्यूमन बींग को चल रहे हैं, ठीक ना।
और भी आप देखो, और भी देखो, देखो इस स्लाइड को देखो, यहां स्लाइड के अंदर बहुत सारी बातें की, एक फैक्ट है यहाँ पे, कुछ फैक्ट दिए हुए, फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। कोरोना क्वेश्चन, कोरोना पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, कोरोना के क्वेश्चंस के रूप में, और ये कौन कौन सी डेट है, डेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यही बात क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले ये कहां रिपोर्ट किया गया था, समझ आना, सबसे पहले कहां पे रिपोर्ट किया गया था। देखो दिसंबर 2019, 30 दिसंबर 2019 ऊपर लिखा हुआ है, सबसे लिखा है क्लस्टर ऑफ कॉजेज न्यूमोनिया अननोन ओरिजिन, ये कहां पे क्या था, चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन ने, चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन जो वुहान शहर में है, सबसे पहले 30 दिसंबर को उन्होंने बताया कि निमोनिया कुछ लोगों को काज कर रहा है, कोई एक वायरस है, ठीक ना। फिर इसके बाद 30 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को देखो क्या है, 1 जनवरी जो आपको हुआ, 30 जनवरी देखो लिखा है ना, 30 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को ह्यूमन लिखा, लिखा है ह्यूनान सी फूड होलसेल मार्केट क्लोज हो गई, वहां की ह्यूनान जो जो था ना सी फूड होलसेल मार्केट थी चाइना की बंद हो गई थी, तो ये कभी आपसे पूछेगा नहीं बट यू शुड नो। इसके बाद 1 जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाता है, देखो 1 जनवरी के बाद क्या, 7 जनवरी को पहली बार नोवल कोरोना वायरस आइडेंटिफाई किया गया था चाइना के अंदर, चाइना के अंदर 7 जनवरी को, ये भी डेट थोड़ा सा याद रख लेना है। इसके बाद क्या हुआ, 7 जनवरी के बाद कौन सा डेट आ रहा है, 11 जनवरी को पहला फेटल केस रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद क्या, ऐसे ही आपको डेट दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेना, ये टेबल मैंने ऑलरेडी डाल दे रखा है ताकि अगर किसी को, किसी एग्जाम में आपने अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्जाम को दे रहे हैं पहली बार डेट, आपको बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस में ये जरूर याद रखना है कि COVID-19 पहला केस कहां रिपोर्ट किया गया था, वुहान शहर में, और दिसंबर 2019 में, ये याद रख लेना, ठीक ना। चलो चलो आगे हम लोग बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं, कोरोना की बेसिक बातें। अभी मैं अलग से लेक्चर लूंगा कोरोना की लाइफ साइकिल के बारे में, कैसे रिप्लिकेट करता है, कोरोना का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा एक अलग से लेक्चर होगा कोरोना वायरस, एक लेक्चर अलग से होगा वायराइड, एक लेक्चर अलग से होगा आपका, जो अलग से लेक्चर लूंगा आपको TMB वायरस, और एक अलग से लेक्चर लूंगा आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। अगला आपको है, देखो जैसे मैंने बोला कि वायरस क्या होता है, वायरस याद रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है वायरस क्या होता है, वायरस क्या, मैंने आपको बताया वायरस क्या होता है, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट इंट्रासेलर इंट्रासेलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलर पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है, इंट्रासेलर पैरासाइट होते हैं, सबको समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को रिस्पांस करो एवरीबॉडी, आप सबको समझ में आ रहा है, ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म होता है इंट्रासेलर पैरासाइट होता है रिकेट्स, रिकेट्स का नाम सुना है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा इंट्रासेलर पैरासाइट होता है, इंट्रासेलर इंट्रासेलर पैरासाइट होता है, इसका नाम क्या है, रिकेट्स, रिकेट्स, ये भी पूछ लेगा कभी आपसे पूछ लेगा कि दूसरे का नाम बताओ, तो थोड़ा इनका भी नाम जान लो, रिकेट्स एक वैज्ञानिक थे, हावर्ड टेलर रिकेट्स 1871 से 1910 में एक दूसरा इंटरसेलर ऑर्गेनिज्म भी आइसोलेट किया था जिसका नाम रखा था रिकेट्स, रिकेट्स याद ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेगा आपसे कि दूसरा इंटरसेलर जो, क्योंकि वायरस भी क्या है, इंटरसेलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वैसा ही पैरासाइट इंटरसेलर पैरासाइट कौन होता है, रिकेट्स होता है। थोड़ा सा देखो ये क्या है, रिकेट्स, रिकेट्स ये क्या होता है, देखो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव होता है, प्लियोमॉर्फिक राड से भी स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये वायरस से कैसे डिफरेंस, इस बात को आपको जानना जरूरी है। ये पैरासाइट किससे होते हैं, पैरासाइट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, लीस, लाइसेंस, टिक्स, मेट्स, इनको अटैक करते रहते हैं। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इसका ह्यूमन टू ह्यूमन से ट्रांसमिशन नहीं होता, तो ये कोरोना वायरस से डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं, देखो
और क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है, इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है, ये बात भी ध्यान रखना। ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, ये बात दिखाता है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, रिकेट्सिया क्या होता है, बैक्टीरिया डू नॉट कॉट द रिकेट्सिया, तो ये क्या होता है, थोड़ा डिफरेंसेस होता है, इस बात को ध्यान रखना। पहले शुरुआत में क्या था ना, जब वायरस की डिस्कवरी हुई तो लोग समझे कि शायद ये भी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, क्या कोई ये रिकेट जैसी स्ट्रक्चर है क्या, लेकिन बाद में देखा गया कि दोनों डिफरेंट है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक ना। देखो ह्यूमन क्या होता है, रिकेट्स का ये भी क्या है, रिकेट्स के ही करेक्टर्स हैं, रिकेट्स को थोड़ी सी बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है, ये भी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होता है, तो कभी भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो थोड़ा सा स्टेबल को ध्यान रख लेना, ठीक ना। अब देखो इसकी सेलवाल ही कंपोस्ट ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड एलपीएस होता है, मतलब कि देखो वायरस के पास क्या होता है, वायरस के पास नो सेल वॉल होती है, और रिकेट्स के पास क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। तो समझ में आ रहा है ना, अंतर कभी भी पूछ लेगा, ध्यान रखना कि इन दोनों में अंतर बताइए, तो इन पॉइंटों को थोड़ी सी आप ध्यान रखना, ठीक। ये क्या है, कुछ डिजीज का नाम है, रिकेट्स है, ये रिकेट्स की कुछ डिजीज का नाम है, याद कर लेना। खासतौर पे ये बहुत पूछता है, रॉकी माउंटेन फीवर्स, ये रिकेट डिजीज का ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, पीजीटी टीएचटी में कई बार आ चुका है, ठीक ना। रिकेट्स क्या करता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर डिजीज किस कौन काज करता है, रिकेट्स करता है। रिकेट्स क्या होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, चलो समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को रिस्पॉन्स करो। तो आप देखो इंट्रा सेलर ये भी पैरासाइट होता है, ये इसलिए क्योंकि ये इंट्रा सेलर ये भी पैरासाइट है, वायरस एक ऐसे डिफरेंस करता रहता है। ऐसे ही एक इंट्रा सेलर पैरासाइट और होता है जो वायरस से सिमिलर होता है, इसका मतलब इंट्रा सेलर पैरासाइट में आपको ध्यान रखना, इंट्रासेलुलर लिविंग पैरासाइट में कौन कौन हो सकता है, वायरस, रिकेट्स, क्लेमाइडी, ये क्या सिमिलर ग्रुप के होते हैं, क्लेमाइडिया, ये क्या होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर लिविंग पैरासाइट्स होता है। तो थोड़ा सा समझा रहा, ओके गुड, सबको समझा रहा, अच्छी बात है, सबको समझो, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। आप एक बार बस वायरस खत्म करने दो मेरे को, सब डिफरेंसेस आपको समझाया, कौन कौन से क्वेश्चन आप किया, तो ये भी आप एग्जाम में आता है, क्लेमाइडिया क्या होता है, थोड़ी सी आप इसको भी जानोगे, क्लेमाइडिया ये क्या लिखा है, स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, और वायरस भी क्या होता है, स्मॉल होता है, इंट्रासेलुलर होता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक ना, पैरासाइट होता है, और ये भी होता है ऑब्लिगेट, ये भी क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सब इंट्रासेलुलर लिविंग पैरासाइट होते हैं, इंट्रासेलुलर लिविंग पैरासाइट होता है, लेकिन आपको पता है वायरस के पास क्या होती है, वायरस के पास केवल होता है जेनेटिक मटेरियल, जो इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए होता है, और क्लेमाइडी के पास क्या होता है, डीएनए भी रखता है, आरएनए भी रखता है, और राइबोसोम भी रखता है। आपको पता है ना वायरस के पास क्या होता है, या तो डीएनए होगा तो या तो आरएनए होगा, लेकिन क्लेमाइडी के पास क्या होता है, डीएनए भी रखता है, आरएनए भी रखता है, और राइबोसोम भी रखता है। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम नॉट प्रेजेंट होता है वायरस में होता है, और क्लेमाइडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्लेमाइडी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपको समझ में ये बात आ रही है, ये इनके पास क्या होती है, क्लेमाइडी के पास क्या होती है, इसके पास क्या होती है, देखो राइबोसोम भी इसके पास होता है, इसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, वायरस के पास क्या होती है सेल वॉल क्या होती है, वॉल ऑब्सेंट होती है,
आप देखो राइबोसोम नहीं पाया था, सेलवाल नहीं पाया था, इस तरह से ये देखेंगे क्लेमाइडी, क्लेमाइडी और वायरस में क्या अंतर है, ये भी इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट हो, तो ये अंतर आप जानते रहिए, क्योंकि आपसे कभी भी पूछ लेगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि क्या अंतर है मेरे को बताइए वायरस में, रिकेट्स में, क्लेमाइडी में क्या डिफरेंसेस है, तीनों के तीनों क्या इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, लिविंग होस्ट पे पैरासाइट होते हैं तो क्या अंतर होता है। आप देखो ये ग्राम नेगेटिव सेलवाल रखता है, इसके बाद क्या होता है ये एनर्जी मॉलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी मॉलिक्यूल पे डिपेंड रहता है, कैन नॉट मेक एटीपी, तो ये आपको डिफरेंस जान लेना है, मैं स्लाइड दिखा दे रहा हूं आपको, आपको ये रिमेम्बर कर लेना है क्लेमाइडी रिकेट्स वायरस में क्या डिफरेंसेस है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना ये बात भी आपको रिमेम्बर कर लेना है। देखो एक अंतर मैं आपको बता दे रहा हूं, एक रिकेट्स है, एक क्लेमाइडी है, और इधर मैं बता दे रहा हूं वायरस है, वायरस एक टेबल को ऐसे बढ़ा लो आप, वायरस ये डिफरेंसेस याद कर लेना, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट, यहाँ साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, यहाँ साइटोक्रोम क्या होता है एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे भी साइटोक्रोम क्या होता है एब्सेंट होता है, ठीक ना, और ये क्या करता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म करता है, ये क्या करता है क्लेमाइडी एनरोबिक मेटाबॉलिज्म करता है, ये मल्टीप्लाई करता है बाय बाइनरी फिशन करता है, ये क्या करता है सिंगल डेवलपमेंट साइकिल करता है। वायरस देखिए अब क्या होता है, देखो इसके पास क्या होता है सेल वॉल पाई जाती है, इसके पास भी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक ना, कुछ करेक्टर्स कॉमन होता है, इसके पास क्या होता है सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक ना, बहुत सारे अंतर है, आप आपको देखोगे क्या होता है, ये क्या होता है मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज प्रोसेस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसके पास क्या नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन कहाँ करता है, देखो क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसके पास क्या होता है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन ऑब्सेंट होता है, ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती रहती, इसके पास क्या है केवल डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप देखोगे इन तीनों का, ये तीनों का अंतर आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्लेमाइडी, इसको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड से अंतर ढूंढ लेना, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक ना। इसके बाद आपके सामने आता है डिजीज का, तो डिजीज याद रहेगा, इन डिजीजों को याद कर लेना, डिजीज को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन टोबैको मोज़ेक, देखो टोबैको मोज़ेक, कॉलीफ्लावर मोज़ेक, शुगर केन, पोटैटो लीफ, बंकी टॉप ऑफ बनाना, लीफ करला, पपाया, वेरी क्लियरिंग, ये आपके डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। फिर इसके बाद एनिमल डिजीज में कौन है, फूड एंड माउथ क्या करता है, रेबीज ऑफ द डॉग, इंसेफेलाइटिस, देखो ये सब जितने हैं कुछ कॉमन है। फिर ह्यूमन डिजीज एनिमल में, ह्यूमन में कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस बी, कुछ कैंसर भी कॉज करते रहते हैं वायरस है, सार्स जो कोविड है ना, सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एड्स, रेबीज, मम्स, पोलियो, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज आपके एग्जाम के लिए, जो लोग भी एग्जाम दे रहे हो टीजीटी पीजीटी नीट जो भी एग्जाम एकेडमिक का एग्जाम होता है वहां पे क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लिया आपने, इस तरह से आपने देखा, ये बात हो गई हमारी डिस्कवरी की इंपॉर्टेंट बातें, डिस्कवरी की इंपॉर्टेंट बातें। एक बात और तुमको डिस्कवरी की बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके सामने है। हम लोग डिस्कवरी की बात कर रहे थे ना, थोड़ी एक डिस्कवरी में एक और इम्पोर्टेंट है एडवर्ड जेनर, आपको कुछ पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट आपके सामने हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन पोलियो का किसने किया था, ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन होता है, लिंडेमन साहब ने फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन, कभी भी आ जाएगा वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो किया था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट याद कर लेना, कुछ फैक्ट आप लोग याद कर लेना, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ फैक्ट याद कर लेना और भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मैं बता दे रहा हूं, जैसे देखो
ये याद कर लेना, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे एक और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ईसॉप एंड ईसॉप एंड लिंडेमन, ईसॉप एंड लिंडेमन्स, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ईसॉप एंड लिंडेमन 90, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट, 1957 में उन्होंने डिस्कवर किया था इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी ये डिस्कवरी पूछ लेता है, इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या होता है, ये बात भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, तो थोड़ी सी इसको ध्यान रखना। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। इसॉक एंड लिंडेमन्स ने इंटरफेरॉन को डिस्कवर किया था, ये भी थोड़ी सी आप कुछ पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक ना। तो बाकी सब तो होपफुली आपको सबको पता है। और ट्रांसडक्शन कभी कभी पूछ लेता है, ट्रांसडक्शन ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रांसडक्शन किसने सबसे पहली बार दिया था, कौन बताएगा मेरे को ट्रांसडक्शन ने किसने सबसे पहले खोजा था। बैक्टीरियोफेज के अंदर जो ट्रांसडक्शन होता है सबसे पहले किसने खोजा था, जस्ट इन्फॉर्म मी, कौन मेरे को बताएगा, सभी लोग मेरे को बताइए कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा ट्रांसडक्शन, सभी लोग मेरे को रिस्पांस करिए, ट्रांसडक्शन सबसे पहले किसने किया था, आपको याद है, सभी लोग बताओ कौन बताएगा मेरे को ट्रांसडक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंडर एंड लीडरबर्ग, जिंडर एंड लीडरबर्ग्स ने क्या किया था 1952 में, 1952 में, 1952 में ट्रांसडक्शन डिस्कवर किया था इन बैक्टीरियोफेज, इन बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक ना, जिंडर एंड लीडरबग्स। तो ये भी कुछ पॉइंट्स आपको इस याद रख लेना, याद रख लेना। होपफुली आपको सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक ना, सब में मोस्ट मोस्ट कॉमन आपको डिस्कवरी के बारे में बता दिया है, तो आप देखोगे इस तरह से डिस्कवरी के बारे में बता दिया है। तो आज हम लोगों ने बात कर ली डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ, क्लासिफिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ वायरस, ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। इसके बाद एक एक करके देखो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता जाएगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग मेरे को रिस्पॉन्स करो, सबको समझ में आया, होपफुली आप सबको क्लास समझ में आई होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।